अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और बड़ी ही आसानी से बन जाती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो पालक। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको पानी में से निचोड़ कर इसको मिक्सी में पीस लूँगी। इसके लिए मुझे चाहिए ये 4 बड़े टमाटर, इनको रफली काट लिया है मैंने। 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने 1.5-2 इंच का। इन दोनों चीज़ों का हम पेस्ट तैयार करेंगे। और ये मैंने पनीर लिया है 300 ग्राम। आप पनीर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने 5 बड़ी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लिया है इसका। ये सूखे मसाले जाएंगे इसमें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 3 ये हरी इलायची, इनके मुँह खोल लिए हैं हमने। और इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और 2 चम्मच मलाई। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं हमने ये 60 ml ऑयल गरम करने रख दिया है। इसमें अब हम डालेंगे ये 3 हरी इलायची, ये जीरा, और इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट, ये सारे सूखे मसाले भून लेंगे इनको हम अच्छे से 1-1.5 मिनट। इसमें डालेंगे हम टमाटर और अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे सब चीजों को। यह हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसका ऑयल अलग हो गया है मसाले से और मसाला फटाफटा सा हो गया है। इसकी खुशबू से भी अंदाज हो जाता है हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिना फ्राई करे डालूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे पालक। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें से बहुत छींटे उड़ते हैं, जल्दी से हम इसको मिक्स करके हम इसको ढक देंगे। और ढककर हम इसे कम से कम 6 से 7 मिनट पकाएंगे फुल आंच पर, और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में हमने चम्मच चलाया था इसमें बहुत छींटे आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये मलाई, फ्रिज की रखी हुई जमी हुई मलाई है, 2 चम्मच डालेंगे आप। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे इसका। आप देख सकते हैं इसमें कितने छींटे उड़ रहे हैं। इसको हम हल्के से चलाएंगे और 2 मिनट हम स्लो आँच पर पकाएंगे इसको, और फिर हम 5 मिनट इसको ऐसे ही ढककर रखा रहने देंगे चूल्हा बंद करने के बाद। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारा पालक पनीर। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।